फर्स्ट टाइम देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम इस मॉल में जा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा भाई लेके आ गया है बर्गर। अब देखिए ये बंद, ये देखिए ये कभी हमको 1 या 1.5 रुपये में मिल जाया करता था हमारे गांव में, हमारे बचपन में हमें याद है। और इसी बंद को देखो इन्होंने अंदर पता नहीं इसके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया। तो फ्रेंड्स आज हम इस मॉल में जा रहे हैं बच्चों को घुमाने के लिए। तो ये रहा मॉल और अब चलते हैं इसके अंदर। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो आज हम लोग गाजियाबाद में ही हैं और आज हमने प्लान बनाया कि आज घूमने का प्लान बनाया है क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हमें मॉल घुमाओ। बच्चों ने आज तक मॉल देखा नहीं है तो मॉल घुमाने के लिए ले गए हैं आज बच्चों को। तो यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें हैं वो मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ। तो आप देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हैं। और यहाँ पे जिस फ्लोर में हम आए हैं यहाँ पे सारी चीज़ें किचन सेट्स और उसके पैंस वगैरह वगैरह नाइफ्स इस टाइप के तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पे देखिए आगे से भगवान बुद्ध और पीछे से देखिए गणेश जी, देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं तो मॉल में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो यहाँ पे कपड़ों का कलेक्शन है तो हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा कपड़े देखते हैं, कपड़ों का कलेक्शन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। तो यहाँ पे सारी तरह की के कपड़े हैं, गर्म ठंडे। तो हमें तो ज़्यादा गर्म कपड़ों की ही ज़रूरत है क्योंकि हमारे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो देखते हैं, हम लोग शॉपिंग तो हमने खूब सारी कर ही ली है पहले ही, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। मेरा बेटा तो कहीं भी चले जा रहा है, ये देखिए क्या बात है, स्लाइड कर रहा है स्लाइड। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चों यहाँ पे कैंडी दिखी बहुत सारी, तो बच्चे यहाँ पे से कैंडी ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे जा रहे हैं बर्गर किंग में बर्गर खाने के लिए, तो जिसका नाम ही बर्गर किंग है। वो चलते हैं और अंदर बच्चे बैठ चुके हैं पहले ही, तो हम भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बच्चों ने कुछ खाने की मांग की है और हम लोग कुछ खाने के लिए आ गए हैं, तो यहाँ पे बैठ गए उनके दोनों। तो हम आए हैं बर्गर किंग में। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा भाई लेके आ गया है बर्गर, तो ये ले आया। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, तो देखिए और दिखाती हूँ मैं आपको कि बर्गर कैसे लाया है। फ्रेंड्स देखिए हम पांचों के लिए 5 बर्गर आ चुके हैं और 2 कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स दोनों शेयर करेंगे। और देखते हैं इन बर्गर्स के अंदर क्या होता है, क्या होगा वही आपको पता ही होगा। एक बंद डाल दिया होगा और उस बंद में कुछ अंदर से थोड़े चटपटी चीज़ें डाल दी होंगी, उसको बर्गर का नाम दे दिया जाता है और इस तरह से परोस दिया जाता है। और देखो हम लोग कितना चाव से खाते हैं, खासकर हमारी नई जनरेशन, इतने छोटे बच्चे देखो कितने इतने एक्साइटेड थे इतने दिनों से कि हमको जाना है बर्गर खाना है बर्गर खाना है इस तरह का। तो यहाँ पर देखिए आलू के छोटे छोटे स्लाइसेस करके उनको थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ दे दिया गया है, तो उनका नाम दे दिया गया है क्या, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज क्या बोलते हैं इनको, पता नहीं क्या पता है। अब देखिए ये बंद, ये देखिए ये कभी हमको 1 या 1.5 रुपये में मिल जाया करता था हमारे गांव में, हमारे बचपन में हमें याद है। और इसी बंद को देखो इन्होंने अंदर पता नहीं इसके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया और इस तरह से इसको पेश कर रहे हैं और इतना महंगा बेचा जा रहा है। और देखिए हम किस तरह से वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, हम सारे इंडियंस अपने धीरे धीरे अपने भाषा में अपने पहनावे में और देखो अपने खान पान में। और यही एक बड़ी वजह है कि आज लोग
हम लोग उतने ज़्यादा सेफ़ और हेल्दी नहीं जितने हम पहले हुआ करते थे। और हमारे बच्चे देखिए, कई बार मजबूरी रहती है इन बच्चों को भी ये सब चीज़ें दिखाना, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करिए। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।